विरोध बहुत निंदनीय, उसको बहुत निंदनीय। ये अगर अपना रूप धारण कर ले तो बहुत ही मतलब गंदा काम करा सकता है, बच्चों को मार देना, परिवार को मार अहर सकता है। रोज हम कहां तक कमाएं, रोज हमें परेशान, चलो सबको जहर दे देते, मर जाते, अच्छा अच्छा अपने को भी मार लिया, सबको जहर, ऐसी कितनी घटनाएं होती। क्रोध से आज तक किसी को भी लाभ नहीं मिला, किसी एक को भी लाभ नहीं मिला। अगर किसी को लाभ मिला है तो शांति से मिला, क्षमा से मिला है। तो हम काहे को गलत मार्ग में जाएं, क्रोध पर शासन करें। अब क्रोध उत्पन्न कहां होता है, का प्रादुर्भाव होता है कामना से। जब हम किसी से, हमारा पड़ोसी हमारा आदर करे, हमारे अनुकूल चले, हमारे घर वाले हमारे अनुकूल, जब हम कामना करते हैं वो हमारे अनुसार नहीं चलता, तब हमें उस पर गुस्सा आ जाता है। तो हमें सोचना है कि हमें भगवान ने दिया है कि जिसके प्रति जो कर्तव्य करना है हमें करना है, वो हमारे प्रति कैसा करता है वो जाने। हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए पड़ोसी के प्रति, हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए परिवार के प्रति, अगर हम इस बात को देखेंगे कभी गुस्सा नहीं आएगा। हम देखते हैं कि हम तो अपना कर्तव्य करना पूरा प्रयास से, और वो हमारे साथ ऐसा करता है, हम कब तक सहेंगे, अब देख लेंगे गड़बड़ हो, ये आपका कर्तव्य नहीं। आप परमार्थ के पथिक हो, आप महान मार्ग के उपासक हो, इसलिए आपको सहना पड़ेगा, आपको ऐसा बनना पड़ेगा। तो अब आर्मी में जाना है तो दौड़, ऊंचाई, कूद, लंबाई, निरोग, ये सब आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं तो बिगड़ बैठो। ऐसे परमार्थ में चलना है तो आपको क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करनी होगी, निष्कामता के द्वारा काम पर विजय प्राप्त करनी होगी, भगवान नाम जपने के लोभ से धन पर विजय प्राप्त करनी होगी, प्रभु के चरणों में ममता अर्पित करके मोह पर विजय प्राप्त करनी होगी, प्रभु के चरणों में अहंकार समर्पित करके अहंकार पर विजय प्राप्त करनी, तब आप भगवान के दास कहलाओगे।